हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हम सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा में नई भर्ती निकली है, पोस्ट कम है, लेकिन दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर है। तो यदि भाई थोड़ी सी भी भर्ती निकलती है तो भी आपको उस चीज का पता होना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं हरियाणा में कहाँ पे भर्ती निकली है और कौन कैसे क्या योग्यता वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज सही समय पर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हरियाणा में क्या है, स्कूल कॉलेज सेंटर है वो बंद कर दिए गए हैं, कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं, लेकिन आपका क्या है, पढ़ाई के टच में रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हो सकता है आने वाले समय में सरकार सोच मिले कि आपके सेंटर वगैरह वो खोल दे कुछ लिमिटेशन के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अपने ऐप पर, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, आप सभी के लिए कोर्सेज उपलब्ध है मात्र नाम मात्र फीस में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों यहां पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कार्यालय निदेशक चकबंदी हरियाणा, बेज नंबर 2526, सेक्टर 4, पंचकूला। तो भर्ती आपकी निकली है दोस्तों इस डिपार्टमेंट में, लेकिन दोस्तों हरियाणा में कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, फील्ड में आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। निदेशालय व फील्ड में, देखिए दोनों जगह लिखे, इन्होंने कार्यालय ऑफिस में भी और फील्ड में भी, दो सहायकों की जरूरत है, दो लेखाकारों की जरूरत है, ठीक है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जरूरत है दोस्तों। दिनांक 6/4/2015 के अंतर्गत रखने के लिए उचित होगा। आवेदक सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र, अपनी ताजा फोटो सहित दिनांक 25 अप्रैल 2021 तक कार्यालय में जमा करवा सकती हैं। लास्ट डेट कितनी दोस्तों, 25 अप्रैल है। पोस्ट कौन कौन सी है, दो सहायक है, दो लेखाकार है, ठीक है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत आपकी ये भर्ती होगी, 25 अप्रैल लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक, दोस्तों फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए दोस्तों। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो क्या, ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन है आपकी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वर्ष का दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, एक वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उम्र कितनी दोस्तों, 18 से 40 साल है, कितनी है, 18 से 40 साल है। हरियाणा में फील्ड में कहीं भी भेजा जा सकता है दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि अथवा लिपिकों में से पदोन्नति होने तक जो भी पहले होगा उनको यहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भर्ती निकली है ना वो 1 साल के लिए निकली है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको 1 साल में हटा दिया जाएगा, आपको आगे भी रखा जा सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं जी, पदों की संख्या में कार्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित दस्तावेजों की कॉपी सहित सादे कागज पर उक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। लास्ट डेट कितनी है, 25 अप्रैल। किस बेस पे है, ग्रेजुएशन प्लस में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ग्रेजुएशन में 60% नंबर होने जरूरी है। मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आपको दोस्तों ऑफलाइन भरना है, ठीक है। आपको सिंपल कागज पे अपना सारा बायोडाटा लिख देना है, साथ में आपका फोटो लगा देना है, डॉक्यूमेंट लगा देने हैं, और आपको जो एड्रेस सबसे ऊपर दिया गया है उस एड्रेस पर आप इसको पहुंचा सकते हैं, कि एड्रेस क्या है दोस्तों, एड्रेस आपका ये, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डिटेल को। तो आप, आपके लिए ही थी दोस्तों एक जॉब छोटी सी,
लेकिन दोस्तों बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो आपको छोटी से छोटी भर्ती की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और नॉलेज की भी दे सकता हूँ। पर दोस्तों छोटी से छोटी भर्ती, बड़ी से बड़ी भर्ती आपको सही समय पर बताई जाती है। वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान के लिए आप सभी का समय शुभ रहे।